एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्से सो आज हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स क्या हैं लास्ट लेक्चर में हमने फोर्स और उसका ऐसा यूनिट देखा फोर्स क्या है किस तरह से uh, वो स्टेट ऑफ मोशन पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की इफ़ेक्ट करती है क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं आज हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या हैं तो उन टाइप्स में आज हमने जो टाइप्स देखनी है डेट इज़ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस क्या होती हैं सो लेट सी उसके लिए पहले ऐसे लोग देख लेते हैं गिव एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस सो हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू देखना है कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस क्या होती हैं सो so, उसके लिए पहले एक एक्टिविटी करते हैं यहाँ पर आपको एक जिफ नज़र आ रहा है ये Uh, मुझे बताएं कि ये uh, जब आप भी साइकिलिंग करते होंगे जब आप साइकिलिंग करते हैं तो आप किस तरह से फोर्स अप्लाई करते हैं तो साइकिलिंग uh, जो साइकिल है वो आपको मोशन देती है आप मूवमेंट में आते हैं यस व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन पेडल्स जब आप जो साइकिल के पेडल होते हैं वहां पे फोर्स अप्लाई करते हैं आपकी टांगे जो है वो उन वहां पर फोर्स अप्लाई करती हैं तो आपकी साइकिल जो है वो आगे को मूव होती है तो इसमें मल्टीपल फोर्सेस हैं जो आपको साइकिलिंग में हेल्प आउट करती हैं लाइक like आपके बॉडी के मसल्स चल रहे हैं आपकी बॉडी के मसल्स फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो है ये क्या है मस्कुलर मूवमेंट इसके अलावा साइकिल पे जब आपने पेडल पे आ, उस पर फोर्स लगाई तो पेडल जो है वो व्हील की जो चेन होती है उसको मूव करवाते हैं तो व्हील मूव करते हैं और आगे की तरफ आपकी मूवमेंट होती है तो डेट इज मकैनिकल फोर्स सो देखते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स की फोर्सेज हैं ये किस कैटेगरी में आती हैं कॉन्टेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आती हैं या फिर नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की कैटेगरी में आती हैं सो हेयर इज अ क्वेश्चन इन विच डायरेक्शन यू अप्लाइंग फोर्स वेन यू आर पुलिंग एंड पुशिंग द ऑब्जेक्ट सो जब आप कोई ऑब्जेक्ट पुश करते हैं या पुल करते हैं फर्स्ट में आपने एक ऑब्जेक्ट पुश किया तो आप किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन वेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ स्ट्रेशनरी ऑब्जेक्ट तो आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं और वो आगे को घसीटा जा रहा है तो आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं और व्हेन यू पुल द ऑब्जेक्ट जब आप उसको पुल करते हैं अपनी तरफ तो आप किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं जब आप उसको अपनी तरफ खींचते हैं तो आप किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते, है? करते हैं आप मोशन की डायरेक्शन में ही फोर्स अप्लाई करते हैं क्योंकि आप जब उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं तो ऑब्जेक्ट की मोशन जो है वो आपकी तरफ ही हो रही है तो मोशन की डायरेक्शन क्या है वो आपकी तरफ है और आप फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो मोशन की डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं लेकिन इसमें भी डिफरेंट टाइप्स की फोर्सेस हैं लाइक जब आप किसी ऑब्जेक्ट को घसीट रहे हैं जमीन पे तो जमीन भी एक फोर्स अप्लाई करती है उस ऑब्जेक्ट पे जब आप कोई हैवी ऑब्जेक्ट जो है वो घसीटते हैं फर्श पे तो आपको मुश्किल होती है उसको घसीटने में क्योंकि फर्श भी जो है उस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहा होता है डेट इज फ्रिक्शनल फोर्स और जब आप कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपके मसल्स जो हैं उनकी भी फोर्स अप्लाई होती है तो डेट इज मस्कुलर फोर्स सो देखते हैं कि ये जो डिफरेंट टाइप्स की फोर्सेज हैं लाइक फ्रिक्शनल मस्कुलर मैकेनिकल फोर्सेज ये किस कैटेगरी में आती हैं सो so, टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या हैं कॉन्टेक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस कॉन्टेक्ट फोर्सेस वो होती हैं जिसमें टू ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंट्रेक्शन होता है मतलब कि टू ऑब्जेक्ट्स आपस में कॉन्टेक्ट करते हैं और फोर्स अप्लाई होती है और उसके नतीजे में मोशन होती है लेकिन जो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस हैं वो वो फोर्सेस हैं जो विदाउट एनी कनेक्शन फोर्स अप्लाई होती है यानी कि जो टू ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें फोर्स और मोशन हो रही है वो उन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता लेकिन फिर भी फोर्स अप्लाई होती है सो so, देखते हैं उनकी क्या एग्जाम्पल्स हैं कॉन्टेक्ट फोर्सेस कॉन्टेक्ट फोर्सेस अकर व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टेक्ट सो जब टू ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में, में होते हैं उनके दरमियान कनेक्शन होता है कोई ना कोई तो जो मोशन होती है जो फोर्स अप्लाई होती है डेट इज कॉन्टेक्ट फोर्स सो कॉन्टेक्ट फोर्स की डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं लाइक फ्रिक्शनल फोर्स जब आप कोई सामान जमीन पे घसीटते हैं तो जो फोर्स अप्लाई होती है डैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स मस्कुलर फोर्स जब आपकी बॉडी कोई फोर्स अप्लाई करती है इसके अलावा मकैनिकल फोर्स जो डिफरेंट जो मशीनरी होती है उनमें जो फोर्स अप्लाई होती है डैट इज़ मकैनिकल फोर्स सो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है जब आप कोई लाइक like, जिफ्ट में आपको नज़र आ रहा है कि एक जो पर्सन है वो सोफे को फर्श पे घसीट रहा है तो सोफा जो है वो एक हैवी ऑब्जेक्ट है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को फर्श पे घसीटते हैं तो जो पर्सन है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में लेकिन जो फर्श है वो एक फ्रिक्शनल फोर्स एक फोर्स अप्लाई कर रही है डेट इज फ्रिक्शनल फोर्स जिसको रगड़ की फोर्स भी कहते हैं हम सो so, ये फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है इसीलिए जब हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम घसीटते हैं तो हमें ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि उनमें जो फ्रिक्शनल की फोर्स होती है वो और ज्यादा अप्लाई होती है फर्श से सो so, ये जो फ्रिक्शनल की फोर्स है ये क्या है ये कॉन्टेक्ट फोर्स है क्योंकि इसमें जो फर्श और जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों एक दूसरे में एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है वो दोनों दोनों का आपस में इंट्रेक्शन हो रहा है तो फर्श जो है वो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है डेट इज फ्रिक्शनल फोर्स जिसको हम रगड़ की फोर्स भी कहते हैं सो नेक्स्ट इज मस्कुलर फोर्स जब भी आ, कोई ह्यूमन बॉडी हम लोग कोई भी पर्सन जो है वो फोर्स अप्लाई करता है इन द फॉर्म ऑफ पुश या पुल कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आप पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं या फिर उसको पुल इन द फॉर्म ऑफ उसको उठाते हैं या फिर रबिंग करते हैं तो आपकी जो फोर्स uh, आपकी बॉडी में अप्लाई हो रही होती है डेट इज मस्कुलर फोर्स क्योंकि आपके मसल्स वो फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं जब हम कोई चीज़ खींचते हैं तो हमारे बाजू के मसल जो हैं वो फोर्स अप्लाई करते हैं इसके अलावा जब हम कोई चीज़ आगे को पुश करते हैं तब भी हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं वो फोर्स अप्लाई करते हैं इसके अलावा लाइक इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि वेट लिफ्टिंग लिफ्टिंग कर रहा है ये पर्सन तो जब वो वेट लिफ्टिंग कर रहा है तो उसके बाजू के जो मसल्स हैं वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो मस्कुलर फोर्स क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जब बॉडी के साथ इंट्रेक्शन होता है लाइक like ये टू पर्सनस है ना टू ऑब्जेक्ट्स हैं और उनका आपस में इंट्रेक्शन हो रहा है और फोर्स अप्लाई हो रही है इन द फॉर्म ऑफ पुल इसी तरह ही इस जिफ में भी इस ऑब्जेक्ट और इस बच्चे के दरमियान जो है वो इंट्रेक्शन है और फोर्स अप्लाई हो रही है इन द फॉर्म ऑफ पुल इसी तरह ये पुश के फॉर्म में देखें तो दोनों के दरमियान इंट्रैक्शन है सो मस्कुलर फोर्स जो है वो भी एक कॉन्टेक्ट फोर्स है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट्स के दरमियान इंट्रेक्शन होता है नेक्स्ट इज मैकेनिकल फोर्स लाइक साइकिलिंग की एग्जाम्पल हम लेते हैं तो साइकिलिंग में जो कॉन्टैक्ट uh, है जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और साइक्लिंग में जो डिफरेंट उसके ये पेडल और जो चेन होती है और जो व्हील्स होते हैं वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं और मोशन स्टार्ट होती है साइक्लिंग में तो ये भी जो फोर्स है ये भी क्या है टू ऑब्जेक्ट्स की आपस में कनेक्शन से फोर्स अप्लाई होती है तो डैट इज कॉन्टेक्ट फोर्स जो कि किसी uh, किस फॉर्म किस में है मकैनिकल फोर्स की फॉर्म में सो मकेनिकल फोर्स भी कॉन्टैक्ट फोर्स है नेक्स्ट इज नॉन टेक्ट फोर्सेस नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सिस एक्ट विदाउट मेकिंग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द बॉडी सो कॉन्टेक्ट फोर्स क्या थी जिसमें टू बॉडीज टू ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर रहे थे एक दूसरे के साथ और फोर्स अप्लाई हो रही थी अब जो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस हैं वो क्या है जिसमें टू ऑब्जेक्ट्स जो है टू बॉडीज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आती लेकिन फिर भी फोर्स अप्लाई होती है और मोशन भी होती है वो वो क्या है फर्स्ट वन इज़ मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स सो मैग्नेटिक फोर्स किस तरह से होती है जो मैगनेट्स uh, होते हैं डिफरेंट वो अपने uh, जो मैग्नेटिक बॉडीज होती हैं लाइक आयरन वगैरह उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं तो उन पे एक फोर्स अप्लाई होती है उन आयरन ऑब्जेक्ट्स पे जो उनको मूव करवाती है उनके दरम्या उनमें मोशन आती है और वो मैग्नेट की तरफ खींचे जाते हैं सो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो विदाउट एनी कनेक्शन होती है मैग्नेट्स किसी कोई मैग्नेट और आयरन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं होता लेकिन फिर भी फोर्स अप्लाई होती है और ऑब्जेक्ट में मोशन होती है तो ये क्या है ये एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है जिसमें बॉडीज का आपस में डायरेक्टली कोई इंट्रेक्शन नहीं होता नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स जब आप कॉम जो है जो कंगी आप यूज़ करते हैं वो आप बालों में फेरते हैं और कागज़ के टुकड़े आप लेते हैं तो उन पे जब आप उन पे उनके करीब लाते हैं उस कॉम को तो क्या होता है कि जो कागज़ के टुकड़े हैं वो कॉम की तरफ खींचे जाते हैं ऐसा क्यों होता है कि कॉम पे भी चार्ज आ जाता है और कागज़ के टुकड़ों पे भी चार्ज आता है तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो एक दूसरे के साथ एट्रैक्ट होते हैं सो so, बिना किसी कनेक्शन के ये फोर्स अप्लाई होती है इस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ये किसकी एग्जाम्पल है ये एक एग्जाम्पल है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की क्योंकि इसमें कॉम और कागज़ के टुकड़ों के दरम्यान कोई इंट्रेक्शन नहीं होता डायरेक्टली वो सिर्फ उनको उसके ऊपर रखा जाए तो कागज के टुकड़े हुदी कॉम के साथ खेचे जाते हैं क्योंकि उनपे चार्ज होता है तो ये एक एग्जाम्पल है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स आपको आपको पता होगा कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ गिरता है वो ऊपर की तरफ नहीं गिरता जब उसको हम ऐसे उछालते भी हैं तब भी वो नीचे ही आके गिरता है तो ऐसा क्यों होता है ऐसा ग्रेविटी की अट्रैक्शन की वजह से होती है जो हमारी जमीन है वो ऑब्जेक्ट्स पे एक फोर्स अप्लाई करती है डेट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स जो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है सो ग्रेविटेशनल फोर्स विदाउट एनी इंट्रैक्शन होती है बॉडीज uh, तो, दोनों बॉडीज के दरम्यान कोई इंट्रेक्शन नहीं होता लेकिन फिर भी ये फोर्स अप्लाई होती है तो डेट इज़ नॉन कॉन्ट्रैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इसके अलावा जो सोलर सिस्टम में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो सन के अराउंड सर्कल कर रहे हैं सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि सन उन पर एक फोर्स अप्लाई करता है डेट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स और उस फोर्स की अट्रैक्शन की वजह से जो डिफरेंट हेवनली बॉडीज़ हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं तो ये भी फोर्स जो है डेट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स और ये किसकी एग्जाम्पल है ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें Uh, जो टू बॉडीज हैं उनका कोई डायरेक्ट इंट्रेक्शन नहीं है सो रैप अप करते हैं लेक्चर को बेस्ड ऑन इट्स एप्लीकेशन फोर्सेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस फर्स्ट वन इज कॉन्टेक्ट फोर्स एंड सेकेंड इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स सो कॉन्टेक्ट फोर्सेस अकर व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टेक्ट सो फोर्स को एप्लीकेशन की बुनियाद पे फोर्स की किस तरह से अप्लाई करनी है उस बुनियाद पे फोर्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है वो टाइप्स कौन सी हैं कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या हैं जब दोनों ऑब्जेक्ट्स जिन जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उनके दरमियान कोई कनेक्शन होता है कोई इंट्रेक्शन होता है तो उस फोर्स को क्या कहते हैं दैट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स एक्ट विद आउट मेकिंग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द बॉडी सो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेज क्या हैं जो विदाउट एनी डायरेक्ट कनेक्शन या विदाउट एनी डायरेक्ट इंटरेक्शन के अप्लाई होती हैं सो नेक्स्ट इज असमेंट आज के एस एल ओ पे गिव एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टेक्ट फोर्सेज एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेज यह आपने सोल्व करनी है और अपने टीचर्स को दिखाना है कि आपने सही से सोल्व की या नहीं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर्स से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी सो नेक्स्ट इज होमवर्क कंपेयर कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स सर्च मोर एग्जाम्पल्स अदर देन अवेलेबल इन योर टेक्स्ट बुक सो आपने कंपेयर करना है नॉन कॉन्टेक्ट और कॉन्टेक्ट फोर्सेस को विद हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, एक टेब टेबल बनाना है या एक चार्ट बना लें उस पर डिफरेंट पिक्चर्स भी पेस्ट कर लें और इसके अलावा जो आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स हैं उसके अलावा आपने मजीद एग्जाम्पल सर्च करनी है कॉन्टेक्ट और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेज की और अपने फेलोज के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है सो आई होप नाव आई यू एबल टू एक्सप्लेन अबाउट कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेज थैंक यू الله حافظ